आशा के मोती चैनल में भाई दूज की कहानी। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम के दो त्यौहार आते हैं, एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्यौहार आता है, इसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। इस दिन बहन भाई को तिलक लगाकर बोला देती है व भोजन खिलाती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था, उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे, और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। यमराज तथा अस्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता।